जीने के लिए, सुख से जीने के लिए कर्म की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर रात रात भर ताना बाना चलाकर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहेब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी और लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे और सुपच भगत जी सूप डगरा बीनते थे। बिना कर्म किए, और कर्म के लिए भी मनुष्य भगवान से मांग रहा है कि भगवान मुझे धन दे दो, दे दिया धन। इतना दिन से भगवान का पूजा किए, बेटा मिला, बहुत सारी महिला अभी तक निपुत्र है, बांझ बन के बैठी है ये, अब पूजा करते करते उसका अगरबत्ती बारते बारते चुटकी खिया गया, लेकिन एक पुत्र का मुंह नहीं देखी आज तक। बहुत सारे लोग पूजा करते करते मर गए, लेकिन 10 कट्ठा से 11 कट्ठा नहीं हुआ उनको। बंधुओं, यह आपके प्रारब्ध का भोग है। साहब कबीर कहते हैं, भोगहुं भोग भुक्ति जनी भूलहुं, योग युक्ति तन साधहुं हो, अज्यों यही भांति करहुं मतवलिया, ता मत का चित बांधहुं हो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण, करी है चाल कुचाली हो, बांधी मारी दंड जब ली है, तब छोटी है सब मतवाली। आपके जीवन में वही होगा जो आपने किया है। कोई एक पिता के 5 पुत्र है तो पिता चाहता है कि सब बेटा को धन दौलत माल मवेशी घर द्वार में बराबर करके बांट दूं। लेकिन ऊपर में एक पिता बैठे हैं भगवान, इनके पुत्र में बंटवारा कैसा हुआ है? कहीं बोरे बोरे नमक है, कहीं रोटी पर न नमक। क्या किसी ने किसी का बेईमानी कर लिया? क्या किसी ने किसी का चोरी करके धन बना लिया? नहीं, वह आपके कर्म का परिणाम है। साहब कबीर ने कहा, अरे अजब जोला है चादर बीनी, सूत कर्म के तानी, सूरत निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी चादर हो गई बहुत पुरानी। जैसे जोलाहा चादर बिनता है, एक तरफ से तानी किया, दूसरे तरफ से भरनी किया, चादर तैयार हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये जीव का अपना जैसा कर्म है, वो कर्म की तानी है, और जहां इसकी सुरती रही, ध्यान रहा, उसकी भरनी है, और देखिए चादर तैयार हो गया। इधर के जीव को औरत वाला चादर मिल गया, और इधर वालों को मर्द वाला चादर मिल गया। अपने कर्म से कोई भगवान नहीं दिया है, आपका कर्म आपको मर्द वाला चादर दिया है, इनका कर्म इनको औरत वाला चादर दिया। किसी को सांप वाला चादर मिला है, किसी को बिच्छा वाला चादर मिला है, किसी को बिल्ली वाला चादर मिला है, किसी को कुत्ता वाला चादर मिला है, किसी को गीदड़ वाला चादर, किसी को अपना कर्मानुसार विशाल हाथी वाला चादर मिला है, और किसी को छोटा सा चीटी वाला चादर मिला है। सब कर्म का परिणाम है। आप अंधे हैं मां के गर्भ से, आप लंगड़े हैं मां के गर्भ से, आप बता हैं मां के गर्भ से, वो आपके कर्म का परिणाम है। आपको टीवी हुआ है, आपको दम्मा हुआ है, आपको कैंसर हुआ है, आपको डायबिटीज हुआ है, आपको एड्स हुआ है, आपको लकवा पकड़ा है, आपको पोलियो पकड़ा है, वो आपके कर्म का परिणाम है। आपकी अज्ञानता और आपकी असावधानी के कारण टीवी आपके जीवन में आया। भगवान क्यों टीवी देगा आपको?